अगर हम 40 नहीं हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ करते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे। और यही कहा गया था कि आप जाइएगा तो 10 वोट इधर है कि 2-4 विधायक इधर उधर हो जाएंगे तो वोटिंग होने में सरकार गिर जाएगी। इस शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिट नहीं होइए। लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक के कई रहे तब तो, 2-3 के कई है और वो दोनों तीनों के कई कहते हैं नीतीश कुमार कुछ और करवाता है उन लोग कुछ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर हम 4 से 40 हो गए तो हम 5,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता तो जरूर दिला देंगे, लाठी मार के दिलाएंगे हम लोगों को कि हमारे बच्चों को दीजिए। तो जानते हैं आप लोग ने कि हम क्या किया था, संसार में पहला ऐसा काम किया था जीतन मांझी को पागल लोग कह दिया था इसके लिए कि जो भी लोग है वैसे गरीब शेड्यूल कास्ट के लिए अति पिछड़ा के लिए और महिला के लिए 75 लाख रुपया तक के ठीका में आरक्षण दे दिया था कि तुम ही कराओगे। नीतीश कुमार पहले तो उसको कैंसिल कर दिए, फिर उसको कहा सुनी हुई तो लागू किए 50 लाख तक। लेकिन आज भी वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, वो फाइल बाहर नहीं निकला है। जब बाहर निकलता तब ना, हम कहना चाहते हैं इस मीटिंग के माध्यम से नीतीश कुमार को, हम आपके साथ हैं, चट्टान के तरह आपके साथ मदद किया है और मदद भी करते रहेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइल निकाल दीजिए और 75 लाख रुपया तक के गरीबों को ठीका दिलवा दीजिए। और ये कब बोलेंगे, कब होगा? आज तो 4 है, ठीक ही कहा हमारे लोग, अगर हम 40 होकर के आते हैं तो ये सारा काम हम बिहार में करवा देंगे। इसलिए आपको मदद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, ये भी मांगेंगे हम लोग। जब 14,000 पैसा मिलता था इंदिरा आवास के लिए तो 5,000 घूस लेता था, 1,30,000 आज हुआ है तो जानते हैं 40,000 घूस लिया जाता है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ लिया जाता है कि नहीं? हम तो सत्ता पक्ष में हैं भाई, ये बात पेपर वाला जरूर निकाल देंगे कि जीतन मांझी ऐसा बोल रहा था। तब होगा नीतीश कुमार बहुत कस के आँख चल देंगे हम पर, क्या बोल दिया जीतन मांझी। लेकिन सच्चाई ये है ना। और जानते हैं 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में है, वो भूदान की जमीन है, सीलिंग की जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है। और हमारे के यहाँ 15 लाख या 16 लाख ऐसे परिवार है जिसको 1 इंची जमीन खेती के लिए नहीं है। और अगला इलेक्शन में हम लोग 40 सीट MP का दें नरेंद्र भाई मोदी जी को, और अगला चुनाव जो 25 में होगा वहाँ 200 सीट हम यहाँ नीतीश कुमार को दें। यही संकल्प लेकर के हम लोगों को जाना चाहिए, यही अनुरोध हम आप लोगों से करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक के कई रहे तब तो, 2-3 के कई है और वो दोनों तीनों के कई कहते हैं नीतीश कुमार कुछ और करवाता है उन लोग कुछ। ये कोई गलत डिसीजन था। अगर सभी बच्चियां पढ़ जाती, अमीर के बच्चे तो पढ़ जाते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। ये तो आप लोग गणित देख लीजिए ना कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ बाई वोट 125 वोट आया, और यही कहा गया था कि आप जाइएगा तो 10 वोट इधर है और आप चल जाइएगा तो उधर हो जाएगा 121 और इधर हो जाएगा 130। तो हम नहीं गए तो 125 रहा। और फिर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात आई तो वही 10-5 को आ गए तो उधर 130 हो गए। आपने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया, राजद की तरफ से मिला हुआ ऑफर, और यही बात तो सही थी, ऑफर तो सही थी कि आप आ जाइए, वो 10 को हम रखे हुए हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी को वादा किया है और नीतीश कुमार को वादा किया है कि हम आपके साथ आएंगे।
साथ रहे। नीतीश कुमार हो गई सर, जो बात बराबर नहीं बल्कि ज्यादा हो गई। हम कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ इसीलिए आए, एक तरफ नीतीश कुमार आ गए हम लोगों के साथ और पहले तरफ नरेंद्र मोदी थे, उनके साथ हम चले गए थे। तो मेरा कहने का मतलब, आज देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के हम लोग साथ हैं, और इसी को साथ देने की ज़रूरत है। जबकि हम लोगों का विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा का सत्र में भी ये बजट सत्र है, वोटिंग होती है 4 बजे के आसपास में। अगर जो परिस्थिति है अभी कि 2-4 विधायक इधर उधर हो जाएंगे तो वोटिंग होने में सरकार गिर जाएगी, तो इसलिए हम लोगों को हर हालत में 3 बजे के आसपास में विधानसभा में चल जाना चाहिए। इसलिए देखा कि संतोष जी आज मंत्री हैं, उनका विभाग है, ज्योति जी को बोलना है, प्रफुल्ल जी भी जा रहे हैं, अनिल बाबू भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो आप लोगों के सामने विशेष बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन संक्षेप में कुछ बातों की चर्चा हम करना चाहेंगे। नई सरकार आई है और हंसते थे लोग कि जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से पार्टी चलाएगा। लेकिन बिहार के गरीब जनता जो आप लोग हैं, आए हैं हम लोगों को सुनने के लिए, हम आपके प्रति नतमस्तक हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका प्रेम और मोहब्बत से आज पार्टी 2015 से आज 9 वर्षों से चल रही है। और पार्टी चल नहीं रही है, पार्टी दौड़ रही है, और यही कारण है कि आज 4 विधायक और एमएलसी भी है और मंत्री भी है। तो कहने का मतलब, आपका प्यार है तो हम आज यही आह्वान आपसे करना चाहते हैं मेरे भाइयों, कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, और आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला कि हम कायल हैं, और इसके लिए नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं। हम कहा करते थे नीतीश कुमार को, जब वो महागठबंधन के साथ थे तो हम मिलते थे एकांत में तो कहा करते थे, जब हमको प्रायः वो कहते थे कि मांझी जी हमने आपको बनाया और आप हमारे साथ नहीं आए, तो हम उनको कहते थे कि हम आपके साथ कैसे आते, आप किन के साथ हैं सो समझ लीजिए, और आप जिनके साथ हैं हमारी जनता यानी गरीब लोग कोई नहीं चाहता कि वैसे आदमी को आगे बढ़ाया जाए। और आप बार बार कहते हैं कि हम तो अमुक आदमी को बढ़ाना चाहते थे और बढ़ावेंगे, तो हम ये कहते थे कि जैसे ही आप बोलते हैं बिहार की जनता स्तब्ध हो जाती है, कहती क्या बोल रहे हैं, तो आप गड़बड़ बोल रहे हैं, आप कहिए कि हम रहेंगे तब थोड़ा लोगों को संतोष है। आज शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून का समीक्षा हम करने के लिए कहते हैं, किए तो, लेकिन हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर इतना लगा देंगे टैक्स, इतना उसको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा जेल में चल जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है, हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है कादू को आदमी दारू पी लिया होगा, और वो पी लिया था उनसे गाड़ी को हैंड अप कर दिया, केस हो गया, ऐसा होना चाहिए। हमारा कहना है कि शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति, और अगर इस तरह का बंदी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहां महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी, उस मॉडल को आप अपनाइए ना,
उसी के तरह यहाँ कीजिए, सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी हिसाब से और काम होता रहेगा। इसलिए ये मत कीजिए जो आज की कर रहे हैं, उसके चलते पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। आज 3 लाख के लगभग आज जेल के शिकंजा में हैं या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आज की इस माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिट नहीं होइए। आप शराबबंदी अच्छी बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं, 80 बरस हम उम्र है हमारा, हम आज तक हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए। कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए, ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारे पिताजी, हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहीं अच्छा हम ठीक कर देंगे, 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया, आज हमारी धातु चिंता 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सोचे, आज एक गुण ताड़ी में है, औषधि है वो, आज उसको काहे बंद करा दिए हैं, लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिट मत होइए, शराब नीति की आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पुनः विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे, अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए, अगर हम 40 नहीं हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे, ये हम दावा करते हैं।